दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। एलनाबाद के उपमंडल कार्यालय में वाहन पंजीकरण व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले 3 कर्मचारियों द्वारा प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर करीब 2,30,00,000 रुपयों के गबन का मामला उजागर हुआ है। यह मामला SDM वेद बेनीवाल के औचक निरीक्षण के बाद सामने आया है। इस मामले में SDM वेद बेनीवाल ने उपमंडल कार्यालय में कार्यरत 3 कर्मचारियों जितेंद्र, कुलदीप मोटसरा व विक्रमदीप के खिलाफ पुलिस को नामजद शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद है और उनके कमरे पर भी ताला जड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एलनाबाद के उपमंडल कार्यालय में 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें से 2 कर्मचारी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सीट पर थे, जबकि 1 कर्मचारी वाहन पंजीकरण सीट पर था। उक्त ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क व वाहन पंजीकरण क्लर्क आम जन से हर प्रकार की फीस वसूलते रहे, विभागीय रिकॉर्ड में बैंक में जमा हुई राशि की रसीद भी लगाते रहे, लेकिन यह राशि बैंक व खजाना कार्यालय में जमा ही नहीं हुई। उक्त कर्मचारी यह राशि जमा करने के बाद अगले दिन खजाना कार्यालय से वेरीफाई भी करवाते हैं कि जमा करवाई गई राशि संबंधित खाते में पहुंच गई, लेकिन इस मामले में ऐसी वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई। जब SDM वेद बेनीवाल ने औचक निरीक्षण में इस मामले से संबंधित फाइलें देखने शुरू की तो बैंक में जमा राशि की वेरिफिकेशन नहीं पाई गई। इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। आरंभिक जांच में गत 1 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक का रिकॉर्ड जांचने पर 2,30,00,000 रुपए के गबन की बात सामने आई है। इस मामले की जांच कर रही कमेटी जब बैंक पहुंची तो बैंक ने SDM कार्यालय के रिकॉर्ड में जमा करवाई गई राशि से पल्ला झाड़ते हुए जमा रसीद पर लगाई गई मोहर को भी फर्जी बता दिया। इसके बाद टीम जिला स्तर पर खजाना कार्यालय पहुंची ताकि रिकॉर्ड का मिलान किया जा सके, लेकिन वहां भी यह रिकॉर्ड मिलान नहीं हुआ। इस मामले में SDM वेद बेनीवाल ने 3 नामजद लिपिकों जितेंद्र, कुलदीप मोटसरा व विक्रमदीप के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। इस बीच पता चला है कि तीनों कर्मचारियों ने अपनी मदद के लिए एक प्राइवेट व्यक्ति को रखा हुआ था, वे उसी व्यक्ति को यह राशि जमा करवाने के लिए देते रहे। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि प्राइवेट व्यक्ति था या नहीं, लेकिन आरोपी कर्मचारी बता रहे हैं कि एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति भी उनके साथ रहता था। प्राइवेट व्यक्ति का नाम सामने आने के बाद प्रशासन ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। संबंधित बैंक से पिछले 6 माह की CCTV फुटेज मांगी है ताकि बैंक में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी या प्राइवेट व्यक्ति की सही जानकारी सामने आ सके। इस संबंध में SDM वेद बेनीवाल से बार बार संपर्क किया गया तो वे किसी सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण दिन भर अपने कार्यालय में नहीं मिल सके। इधर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में SDM वेद बेनीवाल की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अंकल, SDM साहब ने एक लेटर दिया था जिसमें SDM साहब कार्यालय के एक MLC है और एक DLC है, एक इनका सहायक DLC है। ये DLC जो है ये जितेंद्र है और MLC कुलदीप सिंह है। इन्होंने कुछ एक तो अपने मोटर व्हीकल की RC के तहत जो अमाउंट है वो ये ट्रेजरी में जमा करानी होती है, और ड्राइविंग लाइसेंस की जो राशि है वो ट्रेजरी में जमा करानी होती है। वो पिछले एक साल इनके SDM साहब के संज्ञान में आया कि उस राशि में कुछ ऐसा है, तो उन्होंने चेक कराया और उसके संबंध में मेरे को लेटर दिया। उसमें करीब 2,32,00,000 रुपए का गबन है जो इन्होंने राशि वहाँ से मैच नहीं की और उसका गबन पाया गया है। इस पर FIR लॉन्च कर दी गई है जिसकी तफ्तीश जारी है। क्या लगता है आपको कितने लोग इसके? ये तो तफ्तीश के अंदर ही आके पता चलेगा, जैसे ही तफ्तीश में सामने आएगा बता दिया जाएगा। इसमें किस किस के नाम आए हैं? इसमें एक तो जो ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क है वो है जितेंद्र, और एक मोटर व्हीकल इसका लाइसेंस क्लर्क है वो कुलदीप है, और एक और इसमें विक्रम है वो एडिशनल ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क है। इनके नाम अभी तक आए हैं, ये FIR में भाई ने SDM साहब ने अपनी जांच में दिए हैं। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अभी जांच करेंगे। जांच का विषय है, जांच में जो जो चीज़ें आती हैं सामने वो आपके सामने बता दी जाएंगी।